लेकिन एक चीज है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अब यहाँ पे मैं गूगल पे सीधे टाइप करके आपको दिखा देता हूँ, गूगल पे डालिए और यहाँ पे लिख दीजिए लिस्ट व्यू, ठीक है, लिस्ट व्यू इन एंड्रॉयड। तो डेवलपर की साइट पे जाएंगे हम, किसी स्पेसिफिक वेबसाइट पे नहीं जाएंगे। तो लिस्ट व्यू क्या होता है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे यूज़र इंटरफेस कहीं दिया नहीं है, नहीं यहाँ पे नहीं दिया है। मैं लिस्ट व्यू के यहाँ पे इमेजेस में चला जाता हूँ, ठीक है ना, आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये, देखिए दिख रहा है ये, यहाँ पे एक लिस्ट बना हुआ है जिसमें लिखा है एंड्रॉयड, फिर लिखा है जावा, फिर लिखा है पीएचपी, हडूप लिखा है ना। अच्छा, ये जो लिस्ट व्यू बना है, इस पर्टिकुलर लिस्ट व्यू के अंदर आप देख रहे हो जो डेटा है, ये सिंपल डेटा है। लेकिन अगर आप कोई और भी लिस्ट व्यू देखो तो वहाँ पे थोड़ा अलग किस्म के डेटा हैं। जैसे ये देखो, ये देखो, वहाँ सिंगल डेटा था, यहाँ पे क्या है, एक इमेज है, साथ में ये डेटा है, उसके नीचे फिर डेटा है ना। तो ये लिस्ट व्यू क्या है, कस्टमाइज। तो अगर आप लिस्ट व्यू पढ़ रहे हो ना, तो लिस्ट व्यू में अलग अलग कैटेगरी होती है, एक सिंपल लिस्ट व्यू होता है, फिर लिस्ट व्यू को कस्टमाइज करा जाता है। तो जो कस्टमाइज लिस्ट होता है उसको कस्टम लिस्ट व्यू बोलते हैं, समझ में आ रहा है। तो इस टाइप की अगर कोई स्टैटिक एप्लीकेशन अगर आप कोई बना रहे हो, जैसे आप जोक्स टाइप की एप्लीकेशन बना रहे हो या कोई ट्यूटोरियल टाइप की एप्लीकेशन बना रहे हो, तो उसका यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो कैसे करोगे, चलिए एक्टिविटी के अंदर चलते हैं, यहाँ पे एक न्यू करके यहाँ से क्या कर लेते हैं, एक्टिविटी के अंदर जाके यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, एक अगेन एम्प्टी एक्टिविटी बना लेते हैं और लिस्ट व्यू डेमो के नाम से एक एम्प्टी एक्टिविटी। मैं हर पर्टिकुलर काम के लिए एक सेपरेट प्रोजेक्ट इसलिए बना रहा हूँ, एक सेपरेट एक्टिविटी इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको जब ये पूरा प्रोजेक्ट दूंगा तो आपको एटलीस्ट हर पर्टिकुलर चीज़ का यहाँ पे डेमो पड़ा होगा, आप वहाँ से उस चीज़ को पिक कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से मैं क्या कर, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो लिस्ट व्यू है, ये लिस्ट व्यू का एग्जाम्पल हमारा ओपन हो गया। अच्छा, सबसे पहला काम क्या करना होगा, हम जब भी ये काम करते हैं तो हमें क्या करना होता है, कहीं ना कहीं हमारा जो इंटेंट फिल्टर है उसको हम यहाँ पे बदलने वाले हैं, ठीक है। ये इंटेंट फिल्टर यहाँ से कट कर लेंगे और कट करने के बाद इम्प्लिसिट इंटेंट, नहीं कहाँ, लिस्ट व्यू हमारा कहाँ पे पड़ा हुआ है, लिस्ट व्यू, लिस्ट व्यू, ये हमारा बेसिक व्यू, ये लिस्ट व्यू डेमो करके, ठीक है। तो इस लिस्ट व्यू के अंदर ये हम उठा के डाल देते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से ये हम इस एक्टिविटी में पहुँचते हैं और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, से मैंने यहाँ पे चलिए रिलेटिव लेआउट ही ले लेता हूँ, ठीक है। अब हमें दिखाना है लिस्ट, ठीक है, लिस्ट ऑफ आइटम्स दिखाने, लिस्ट ऑफ आइटम्स शो कराने हैं। तो लिस्ट व्यू को बनाने के लिए हमारे पास लिस्ट व्यू नाम का ही, लिस्ट व्यू नाम का ही यहाँ पे होता है टैग। अब लिस्ट व्यू टैग में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, विड्थ इसका मैच पैरेंट कर देते हैं और हाइट इसका ले लेते हैं रैप कंटेंट, ठीक है। तो ये देखिए लिस्ट व्यू अपने आप यहाँ पे बन के आ गया, आपको दिख रहा है ये बगल में लिस्ट व्यू जो आया है। तो हाइट भी हम यहाँ पे मैच पैरेंट ले सकते हैं, ठीक है, पूरा बड़ा आ जाएगा जितना बड़ा हमारा उस एप्लीकेशन के लिए जो स्क्रीन होगी इसकी साइज होगी। तो यहाँ पे हमने लिस्ट व्यू करके यहाँ पे ये ले लिया। तो ये देखिए अभी ये व्यू दिखा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये लिस्ट व्यू हमारा बन के आ गया। अभी आप देखोगे, आप इसे चलाओगे तो ऐसा नहीं है कि ये लिस्ट व्यू हमारा आ जाएगा, उसके अंदर लिस्ट आइटम दिखने लगेंगे ऐसे, नहीं, इसको आप रन करोगे तो आपको ब्लैंक स्क्रीन दिखेगी। ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन रन हो गया, अब सब कुछ बन गया, अभी खत्म हो गया कहानी, नहीं। अभी तो आप लिस्ट के आइटम ही तो डिसाइड करोगे आपके पास लिस्ट के आइटम कैसे होंगे। अच्छा, लिस्ट के अंदर जो आइटम्स होते हैं, जैसे लिखा ना सब आइटम, सब आइटम वन, सब आइटम टू, ये आइटम दो तरह से रखे जा सकते हैं, एक होता है भाई स्टैटिक तरीका, एक होता है डायनेमिक तरीका, है ना। स्टैटिकली क्या है कि हम स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में रख सकते हैं, डायनेमिकली हम कहीं एपीआई से हिट करके ला सकते हैं, है कि नहीं। आगे चल के कभी हम डेटाबेस पढ़ेंगे, एसक्यूएलआई डेटाबेस पढ़ेंगे या सर्वर से डेटा ले आएंगे तो वहाँ से हम इसको गेट करके ले आएंगे। तो आपको लिस्ट व्यू अभी इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप जब सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करोगे या आप
एसक्यूएल डेटाबेस पढ़ोगे तो वहाँ से डेटा आप फेच करके लाओगे, लिस्ट व्यू में उसको प्रेजेंट कराओगे। अगर मैं अभी लिस्ट व्यू पढ़ा दे रहा हूँ और डेटाबेस का कंसेप्ट उस टाइम पे पढ़ा दूंगा, तो फिर आपको इसको मिला के उसको वहाँ से गट करके लेके आना पड़ेगा, ये आपके लिए टास्क हो जाएगा। तो अभी मैं स्टैटिकली इसके अंदर डेटा को दिखाने के लिए मैं कुछ डेटा यहाँ ले लेता हूँ। देखिए एप्लीकेशन तो खैर मैंने रन कर दिया है, तो यहाँ पे वो दिखेगा नहीं, कुछ भी नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम हमें लेने पड़ेंगे, तो वो लिस्ट ऑफ आइटम को लेने के लिए यहाँ पे देखिए हमारी एप्लीकेशन रन होके आ गई है। सॉरी, यहाँ पे देखिए ये रन हो गया है, बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए स्ट्रिंग एरे करके यहाँ पे कंसेप्ट होता है, इसका नाम देते हैं हमने सपोज करिए लिस्ट दे दिया, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास होता है आइटम, ठीक है। तो बहुत सारे आइटम इसके अंदर हम ऐड करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे आइटम ऐड कर दिया एंड्रॉयड, फिर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया जावा, ऐसे लिस्ट ऑफ आइटम बहुत सारे हम ऐड कर सकते हैं स्ट्रिंग टाइप के एरे में, ठीक है। ये कौन सा अप्रोच है, ये स्टैटिक अप्रोच है, राइट। तो हम यहाँ पे चार आइटम रहने देते हैं, एंड्रॉयड, जावा, PHP एंड व्हाट, सेलेनियम, सेलेनियम, राइट। तो ये जो स्ट्रिंग के अंदर से हमने लिस्ट के आइटम लिए हुए हैं, ये लिस्ट के आइटम अगर मुझे इस पर्टिकुलर लिस्ट व्यू पे दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, इसके लिए क्या करेंगे। देखिए इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी तो होती है ज़रूर, एंड्रॉयड कॉलन आइटम करके कुछ प्रॉपर्टी होती है, आइटम एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे कोई लिस्ट की, जो वो पर्टिकुलर डेटा जो है वहाँ से सारा डेटा उठा के लेके आ जाएगी, लिस्ट आइटम करके होता है कुछ, है ना। ये देखिए लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम के अंदर क्या करना है, हमें कहाँ से डेटा लेके आना है, @Android और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर से नहीं, टूल्स, टूल्स लिस्ट, ये अलग है, ये अलग चीज़ है एक्चुअली, वो इस तरह से है एंड्रॉयड कॉलन और यहाँ पे है आइटम, ठीक है, एंड्रॉयड कॉलन लिस्ट आइटम आपको दिख जाएगा। एक प्रॉपर्टी यहाँ पे आती है, प्रॉपर्टी याद नहीं है, आइटम लिस्ट, आइटम लिस्ट, लिस्ट आइटम लिस्ट के नाम से नहीं दिख रहा है, आइटम के नाम से नहीं दिख रहा है, जब तक ये करेंगे तब तक तो हम यहाँ से गूगल से भी इनके डॉक से भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए ये इन्होंने बताया कि भैया लिस्ट व्यू के लिए लिस्ट व्यू नाम का टैग होता है, इसको आप ले लीजिए। अच्छा ये भी बता रहे हैं, देखो आप, डिस्प्ले अ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कलेक्शन व्यूज वेयर एज पोजिशनल वगैरह वगैरह सब करके बता रहे हैं कि परफॉर्मेंस अप्रोच है ना, यूज रिसाइकलर व्यू ऐसे कुछ करके लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि मतलब इसका इन्हांस वर्जन जो है एक रिसाइकलर व्यू आ चुका है, उसे आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये मेथड तो होता है, हाँ एंट्रीज, यस दिस वन, एंट्रीज दिस वन, तो आपको लिखना है यहाँ पे एंट्रीज, एंट्रीज, और एंट्रीज के अंदर आप लिख देंगे @, यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर हमने जो एरे बनाया वो किस नाम से बनाया था, वो हमने लिस्ट ऑफ आइटम के नाम से बनाया था। ये देखिए हमने यहाँ पे एरे बनाया है जिसका नाम लिखा है लिस्ट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा @lst @string, और स्ट्रिंग के अंदर तो नहीं रहा है एंट्रीज ही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बोल रहा है, ये एंट्रीज है ना, रेफरेंस टू एन एरे रिसोर्स दैट विल पॉपुलेट इन द लिस्ट व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे वो आके मिल रहा, @ हम कहाँ पे हैं, लिस्ट स्ट्रिंग एरे, स्ट्रिंग अरे के अंदर ये डेटा है, तो @ बड़े
बट ये डेटा आएगा कैसे?